हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, मतलब फार्माकोलॉजी का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे था, कैसे फार्माकोलॉजी एक बहुत बड़ी एक साइंस ब्रांच ऑफ साइंस बनी और हम फार्माकोलॉजी को बढ़ते हुए यहां से देखेंगे। जैसे होता नहीं कि बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर एडल्ट में आता है, फिर वह बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा तो नहीं कह सकते यहाँ पे, फार्माकोलॉजी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कैसे उस वहां पे इसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले जानने की जरूरत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज, हु इज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। बेसिक सा क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, वो थे ऑस्वर्ड स्किमिटबर्ग। ठीक है, अब उसके बाद से चार फेज में हमने इस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को, इसके फार्माकोलॉजी को हमने डिवाइड किया। पहला है फेज वन। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट तो तभी स्टार्ट होगा जैसे कि ड्रग्स के बारे में स्टडी लोगों ने शुरू कर दी होगी, ड्रग्स के बारे में जानना पहचानना शुरू कर दिया होगा। और ये ड्रग्स की चीज कब आई होगी, यानी कि दवाई कब आई होगी, जब कोई बीमार हुआ होगा या किसी को पेन हुआ होगा या कोई भी बीमारी उनके पास में आई होगी, तो उसको ट्रीट करने के लिए सीधी सी बात है कोई ड्रग ली जाती होगी। तो पहला स्टेप फार्माकोलॉजी तभी आ गई थी जब किसी पहले बंदे को, जब उसको कोई डिजीज हुई और कोई पेन हुआ, तो उस पेन को ट्रीट करने के लिए, डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो भी मेडिसिन आई, जो भी ड्रग्स आई, वहां से ही फार्माकोलॉजी का शुरुआत हुआ। ठीक है, और पुराने जमाने में ये भी कहा जाता था कि जो ड्रग्स होती हैं वो सुपरस्टिशियस के तरीके से आई जाती है, मतलब मैंने मान लिया हाँ कि मुझे इससे ठीक हो जाएगा। जैसे आज के जमाने में क्या होता है कि मम्मी बोलती है कि नहीं मैं उस डॉक्टर की दवा नहीं खाऊंगी, उससे मैं ठीक नहीं होती, उस डॉक्टर की खाऊंगी तो उस डॉक्टर से मैं ठीक हो जाती हूँ। तो ये सुपरस्टिशन के तरीके हैं जिससे हम लोग बिलीव कर लेते हैं कि हम उस ड्रग से ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या थी, एक्सपीरियंस की। मान लो अगर किसी ने आपको सजेस्ट किया कि मैंने ए ड्रग खाई है तो आप भी ए ड्रग खाओ, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो फेज वन यहां पे था। फेज वन में ये चीज थी कि लोग पहले मानते थे कि एक चीज होती है एविल स्पिरिट, कि पुराने जमाने में कहते थे कि बुरी आत्मा आ गई है बॉडी के अंदर, तो वो क्या कर रही है, डिजीज कॉज कर रही है। ये पुराने जमाने में क्या होता था, बुरी आत्मा शरीर के अंदर आ गई है और वो डिजीज कॉज कर रही है, तो उसकी इलनेस के लिए हम क्या करते थे, प्लांट एक्सट्रैक्ट या फिर एनिमल एक्सट्रैक्ट या मिनरल सोर्स से कोई जो हम ड्रग लेके आते थे वो हम लाते थे अपने बॉडी में, लेते थे उसको, और उसके बाद में जो रिजल्ट आते थे वो फ्रूटफुल होते थे और वो हम डिजीज को फाइट कर लेते थे। ठीक है, तो उस एविल स्पिरिट को निकालने के लिए जो डिजीज, जो दवाइयां होती थी, उसकी स्टडी वहां से फार्माकोलॉजी से शुरू हो गई थी। बेसिकली फार्माकोलॉजी जो वर्ड है वो आपका एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, फार्माकॉन। बेसिकली वहां पे जब पुराने जमाने में लोग समझते थे कि फार्माकॉन का जो वर्ड होता है जो है वो होता है मैजिकल चार्म। फार्माकॉन का वर्ड समझते थे, मतलब मीनिंग समझते थे कि कोई मैजिकल चार्म है, कोई जादुई चीज है जिससे कि एविल स्पिरिट भाग जा रहा है, कोई ये बुरी आत्मा भाग जा रही है मैजिकल चार्म। लेकिन उसको धीरे धीरे जब आगे टाइम आया तो लोगों को पता लगा कि रियल मीनिंग फार्माकॉन का जो होता है वो ड्रग या फिर रेमेडी बोला जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फेज वन। अब हम बात करेंगे फेज टू की। फेज टू में क्या था कि जैसे जैसे लोगों को पता लगा कि ट्रायल्स एंड एरर मेथड, मैंने फार्माकोलॉजी से ही पढ़ाया था कि ट्रायल्स एंड एरर मेथड वहां पे एक चीज थी, ट्रायल्स एंड एरर मेथड। ठीक है, तो जैसे जैसे लोगों को एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ ये ड्रग ये काम नहीं कर रही है, ये ड्रग काम कर रही है, ये नहीं कर रही है, वो काम कर रही है, तो एक्सपीरियंस के थ्रू लोगों को पता लग गया कि कौन सी ड्रग जो है वो स्पेसिफिकली हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है टू फाइट विद डिजीज। ठीक है, तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड काफी सालों तक चलता रहा और इससे क्या हुआ, जो नेचर से हमें नेचुरल प्रोडक्ट मिलते थे, उसकी थेरापेटिक वैल्यू काफी सालों तक स्टडी करी गई।
थेरापेटिक वैल्यू काफी सालों तक स्टडी करी गई, और स्टडी करने के बाद प्रिपरेशंस आने लगे, जैसे कि पुराने जमाने में अभी भी चलती हो चीज, मुल्तानी मिट्टी, ये अभी भी चीज चलती है। मुल्तानी मिट्टी के बारे में काफी लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छी होती है फेस के लिए बेसिकली, ठीक है। तो मुल्तानी मिट्टी का यूज तब से चलता आ रहा है जब ये फार्माकोलॉजी शुरू हुई थी, जब ड्रग्स के बारे में बेसिकली पढ़ना शुरू किया गया था, ठीक है। और तो और जो इजिप्शियंस थे हमारे, उन्होंने भी कैस्टर ऑयल, जैसे जो हमारा फिक्स्टर होता है, कैस्टर ऑयल का यूज बताया था, जो थेरापेटिक वैल्यू थी वो अलग अलग तरीके से बताई थी। तो ये पूरी स्टडी बताने लगी थी कि हमें एग्जैक्ट जो ड्रग है हमारी वो पता लग गई थी कि कौन सी हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, किसके थ्रू, ट्रायल्स एंड एरर मेथड के थ्रू। अब हम बात करेंगे फेज थ्री की, मतलब कैसे फेज थ्री में फार्माकोलॉजी का हमने ग्रोथ देखा। तो फेज थ्री जो था ये बहुत एक्साइटिंग ग्रोथ था, जो कि कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी को अपने पीक पे ले आया, ठीक है। और ये कैसे पीक पे आया, उसके पीछे दो ब्रांच जो थे साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट थे, उन्होंने बहुत वाइटल रोल प्ले किया था, केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। इन्होंने मिलके जब इन्होंने काफी सारी अचीवमेंट्स पार कर ली, काफी सारी चीजों को डिस्कवर किया, देन इन दोनों ब्रांच ने मिलकर एक नया ब्रांच का नाम लिया, दैट इज फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी की सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा हाथ है इन्हीं दोनों ब्रांचेस का। और इनकी सक्सेस तब मिली जब हमने नेचुरल प्रोडक्ट से हमने क्रूड ड्रग्स को आइसोलेट किया, और वहां से कंपाउंड्स का सिंथेसिस होना शुरू हुआ और स्टडी होना शुरू हुई, ठीक है। तो ये सब जब चीजें होने लगी तो फार्माकोलॉजी को अपना पीक मिल गया, ठीक है। और तो और एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ ब्यूकिम, उन्होंने फर्स्ट फार्माकोलॉजिकल लेबोरेटरी शुरू करी थी, ठीक है। और इन्होंने अपने एक स्टूडेंट के सामने, इनका स्टूडेंट का नाम था ऑस्वर्ड शिमिटबर्ग के साथ में उन्होंने ट्रेन किया काफी लोगों को, ट्रेन वेरियस या फिर मैनी फार्माकोलॉजिस्ट काफी लोगों को ट्रेन किया, जिसमें कि जे एबल भी थे, जॉन जेकब एबल। और ये जॉन जेकब एबल जो थे इन्होंने फर्स्ट डिपार्टमेंट खोला था एक यूनिवर्सिटी में, ही ओपन फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी इन मिकिगन यूनिवर्सिटी में। किसने, जे एबल ने फर्स्ट डिपार्टमेंट खोला था यहाँ पे, मतलब पूरा यूएस में या कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड में फर्स्ट डिपार्टमेंट था फार्माकोलॉजी में, किसका, मिकिगन यूनिवर्सिटी में। तो आफ्टरवर्ड्स फार्माकोलॉजी को काफी ज्यादा ग्रोथ देखा गया। अब हम बात करेंगे फोर्थ फेज यानी कि करंट फेज। आज के जमाने में फार्माकोलॉजी को किस नजरिए से देखा जाता है, तो फार्माकोलॉजी बहुत एक बड़ा ब्रांच है साइंस का, जिसमें बेसिकली मेन मोटिव ये रहता है कि ड्रग का इंटरेक्शन विद बॉडीज बायोलॉजिकल सिस्टम, ये ड्रग कैसे बाइंड हो रही है, कैसे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रही है, ठीक है। तो उस तरीके को हम लोग देखते हैं कि ड्रग का इंटरेक्शन कैसे होता है बॉडी में, तो इन सब चीजों को यहाँ पे फार्माकोलॉजी में हम देखते हैं। नेक्स्ट जो सक्सेस थी फार्माकोलॉजी की वो यही बताती है कि वहां पे हमारा ड्रग का इंटरेक्शन कैसे कैसे हुआ, उसके एडवर्स इफेक्ट को हमने जानने शुरू किए, तो काफी सारी चीजें थी यहाँ पे फार्माकोलॉजी में बताई गई, ठीक। और कुछ एडवांटेजेस ये भी आए थे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को
बहुत ज्यादा हेल्प मिली ताकि वो अपना भी जो इनका ब्रांच है वो काफी ग्रो आगे हो सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। मैंने इसके नोट्स अच्छे से बना के मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और भी कुछ थोड़ी सी चीजें हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट वगैरह, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इन द नोट सेक्शन। तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। योर सपोर्ट्स मैटर मी द मोस्ट। थैंक यू सो मच।